डॉक्टर, अब थोड़े ही दिनों की तो बात है, जल्दी ही अपन घर चलेंगे। अभी सोचा, तुझे आराम की सख्त जरूरत है, सोचा डॉक्टर साहब, अच्छा भला आंगन में खेल रहा था, अचानक तड़पने लगा, बेहोश हो गया, सब क्या हुआ होगा? इसके दिल के पास की नस फट गई। अच्छा हुआ आप इसे समय पर यहां ले आए, अब ये पहले से बेहतर है, लेकिन जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? वरना पेशेंट के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं? ऑपरेशन कीजिए ना। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत महंगा है मिस्टर मदन, और इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? 1.5 लाख रुपया मैं कहां से लाऊं? क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा? दुनिया में कहीं ना कहीं अजीबोगरीब हादसे होते ही रहते हैं। आइए आज आपको एक अजीब हादसा दिखाने के लिए राजेंद्रगढ़ ले चलते हैं। 10 लाख कमाइए सिर्फ एक रात में, मगर उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये महल इनका है। ब्रजेश जी, आइए जरा पास आइए। इस प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ से भी अधिक है, और इनका कहना है कि यहाँ कोई आत्मा रहती है। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में आत्माएं। खैर, अगर ये कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा रहती है, तो इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ये महल इनका है। आप कुछ बोलेंगे ब्रजेश जी? ऐसा कहते हैं कि अगर कोई इस हवेली में, मैं इसे हवेली ही कहता हूँ, अगर कोई इस हवेली में आधी रात से सुबह तक रह लेगा, तो इस हवेली को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर कोई आधी रात से सुबह तक का समय इस हवेली में बिताएगा, तो मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। जी का पता है 12 एडमिला हार्डो। इस सिलसिले में इनसे जो भी मिलना चाहे, उनके लिए इनकी तरफ से एक चेतावनी है कि आज तक 3 आदमियों ने इस हवेली में रात बिताने की कोशिश की, मगर सुबह तक उनमें से कोई नहीं बच पाया। मैं अर्चना राजेंद्र गढ़ से रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं समझ सकता हूं तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। पैसों की जरूरत ही देखो यहां किन किन लोगों को खींच लाई है। यह है जग्गू, लगता है जिंदगी में इसने काफी लोगों से लड़ाइयां लड़ी हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और ये है शिवराम। या। लेकिन मैं यहां लाखों के चक्कर में नहीं आया हूं, जादू टोना और आत्माओं पे मैं रिसर्च करता हूं। खतरों से टक्कर लेने का मुझे शौक है। इस हवेली के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। अच्छा, क्या जानते हैं आप? यही कि बरसों पहले यहाँ फ्रेडरिक नाम का एक अंग्रेज जादूगर रहता था। लोगों के दिमाग में घुसकर वो उन पर कब्जा करना जानता था। एक बार एक खून के इल्जाम में पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, तो उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये चक्कर उसी का चलाया हुआ है। मैं उसे मिलना चाहूंगा। और ये अनीता है। मैं पैसों के लालच में यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर? मेरे पति की इसी हवेली में मौत हुई थी। तुम्हारे पति? जी हाँ, मेरे पति प्राइवेट डिटेक्टिव विनय। वो आपके पति थे? हाँ, मैंने उन्हें उस हवेली में एक रात बिताने के लिए भेजा था। वहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा। नहीं,
मैं सच्चाई जानने आई हूँ कि वाकई वहाँ कोई आत्मा है या नहीं, या फिर ये सब आपका खेल है। ये कोई खेल में नहीं है। खुद मैंने एक बार कोशिश की थी वहाँ रात बिताने की। समय काटने के लिए मैं साथ में टीवी लेके गया था। मैं बेडरूम में टीवी के सामने बैठा था। समय करीब 12:30 के आसपास हुआ होगा। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है। चिल्लाता हुआ हवेली से बाहर भागा, लेकिन उसके बाद इस सदमे के कारण मैं 6 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा। इसके बावजूद भी आप वहां रात काटना चाहते हैं तो ठीक है। कुछ भी हो जाए, मैं उस हवेली में रात बिता कर ही रहूंगा। मेरी आप सब लोगों से विनती है, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। मेरा बेटा अस्पताल में, 1,50,000 रुपए चाहिए, सिर्फ 1,50,000 रुपए। इधर रो क्यों रहा है? हम चारों ही चलते हैं, एक दूसरे का साथ भी रहेगा। आप दोनों को तो पैसे नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुझे 1,50,000 रुपए चाहिए, वो तुझे कल सुबह मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हवेली ले चलता हूँ। रहती है फ्रेडरिक की आत्मा, देखते हैं वो क्या कहता है। चलो पहले डिक्की में से लालटेन निकाल लेते हैं, क्या पता कहीं टॉर्च को कुछ हो गया तो। ये जली हुई लालटेन डिक्की में किसने रख दी? लालटेन तो बुझी हुई थी। पता नहीं ठीक 12 बजे ये घड़ी की लाइट कैसे जलने लगती है। ये लो जी, मैं चलता हूं। फ्रेडरिक की ही तस्वीर है। अनीता, बैग में से वो चीजें निकालो। ये वो चीज है जिसकी मदद से हम फ्रेडरिक की आत्मा से संपर्क जोड़ सकते हैं। और ये? ये एक कंपास है। सुना है आत्माओं का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और आत्मा जब इसके आसपास आती है तो शायद इसकी सुई जोर से हिलने लगती है। इस तरह हमें फ्रेडरिक के आने की चेतावनी मिल जाएगी। ये देखो, इसे मैं हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखता हूं। जमीन पे जो पंचकोण मैंने बनाया उसके अंदर आप लोग आ जाओ। अब मैं फ्रेडरिक की आत्मा से संपर्क करने जा रहा हूं। अब आप सब लोग इस सिक्के पर अपनी उंगली रखो। अनीता, उस कंपास को खोल दो। फ्रेडरिक, तुम कहां हो? कहां हो तुम फ्रेडरिक? हम तुमसे बात करना चाहते हैं। फ्रेडरिक, 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 फ्रेडरिक,
शिवराम की चाल है। इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ की गई है। ये चाहता है हम सब डर कर यहां से भाग जाएं और ये सारा पैसा अकेला खुद खा जाए। ये आवाज ऊपर से आ रही है। मैं देखता हूं कौन है। पागल मत बनो, पंचकोण के बाहर मत निकलो। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे पंचकोण की, मैं देखता हूँ कौन माइक लाल है। ब्रजेश के आदमी है, ऊपर जाकर इनकी खबर लेनी पड़ेगी। Yeah.
जगो, हमारे पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। आओ। कौन तुम लोग? और मेरा नाम कैसे जानते हो? जगो, हम पहले से तुम पर निगरानी रख रहे थे। तुम सही थे जगो, सही। हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सके। ए जगो, आया जगो, जगो, जगो। बैठो, 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 ड्रिंक लोगे, ड्रिंक लोगे, ड्रिंक। जगो, जगो, ये हमने ही कहानी गढ़ी थी कि यहाँ पर भूतों का निवास है, लेकिन लेकिन देखो यहाँ पर कोई नहीं है। देखो, तुम्हारे ही जैसे हाड़ मास के बने हुए इंसान है। ठीक ठीक वैसा, ठीक वैसा जैसे तुमने सोचा था। लो लो, ड्रिंक पी लो। जानता था मैं कि इसमें किसी आदमी का हाथ है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। ये ब्रजेश करवा रहा है सर। ए ब्रजेश, ब्रजेश। बात की बात मान, पहले ड्रिंक ले लो। यस, एक और। कहाँ गए सब लोग? अभी तो नहीं थे। तुमने जो देखना चाहा, तुम्हें वही दिखाई दिया जग्गू। हकीकत में कुछ नहीं था। तुम वही फोटो वाले आदमी हो ना? हाँ। तो फिर क्लास में क्या था? क्लास में एक स्पेशल ड्रिंक था जो मैंने भी मरने से पहले पिया था। अरे सब बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। मुझे उस बेवकूफ को बचाना ही पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे? चिंता मत करो, बचा लो मुझे। कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक ये मेरे पास है मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन तुम दोनों इस पंचकोण से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जग्गू, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने देखा था? पंचकोण मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। ये पंचकोण मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब सच था, लेकिन एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया। मैं मर चुका हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया से फ्रेडरिक की दुनिया में पहुंच चुका हूँ, और अब तुम्हारे पास ये पंचकोण नहीं है तो तुम भी बहुत जल्द हमारी दुनिया में आ जाओगे। भगवान, ये क्या हुआ? ये तो गायब हो गया। मेरा पंचकोण मुझे ढूंढना चाहिए। पंचकोण, you
तुम्हारा स्वागत है। आज की रात मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। अनीता, मदन, जग्गू, जग्गू मर गया है और मैं भी मर रहा हूँ। तुम दोनों पंचकोण के बाहर क्यों आए? जाओ उसके अंदर, वही तुम्हें बच करे। पंचकोण के बाहर मत निकलना। हमने यहाँ के बहुत बड़ी भूल की है। शिवराम भी हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन वो भी मर गए। अब हम किसी भी हालत में बच नहीं सकते। दो बच गए। सवेरा होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। यदि हमने धीरज रखा तो हम जरूर कामयाब होंगे। नहीं नहीं, हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। हमें ये हवेली छोड़ देनी चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ तब भी मरता हूँ और यहाँ से जाता हूँ तो मेरा बेटा मरता है। किसी भी हालत में मुझे यहाँ रहना होगा, किसी भी हालत। किसी के कदमों की आवाज आ रही है। कौन कौन हो सकता है? फ्रेडरिक तो नहीं हो सकता, वो तो हमारी है। वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। और शिवराम और जग्गू तो मर चुके हैं, तो फिर कौन हो सकता है? शायद ब्रिजेश साहब हो, वो बचाने के लिए आए हो। ब्रिजेश साहब कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे पति है विनय। हाँ अनीता, ये मैं ही हूँ। यहाँ आओ। ये विनय नहीं है, तुम्हारा पति तो मर चुका है। नहीं अनीता, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास आओ। नहीं अनीता, नहीं, ये फ्रेडरिक की चाल है। तुम्हें पंचकोण से निकालने की फ्रेडरिक की चाल है। एक छलावा है अनीता, सिर्फ छलावा। अनीता, मैं बहुत दूर से बड़ी मुश्किलों को पार करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। चलो यहाँ से चले अनीता। नहीं अनीता, नहीं, तुम इस पंचकोण से बाहर निकली तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस आदमी की बात पे यकीन मत करो अनीता, ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ रुपयों को पाने के लिए पंचकोण की बात कर रहा है। हमें रुपया पैसे नहीं चाहिए, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। चलो, तुम यहाँ से निकलना चाहती हो ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलता हूँ। नहीं अनीता, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ अनीता, बहुत दूर से। मगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो अनीता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अनीता, मैंने कहा था तुम्हें, पंचकोण से बाहर मत निकलो। पंचकोण से बाहर क्यों निकली? चलो अनीता, वापस पंचकोण में चलते हैं। चलो पंचकोण।
हम लोग फंस गए। चलो चलो यहाँ से भाग चलते दूसरा पंचकोण शिवराम अपने साथ ले गया था, चलो उसे ढूंढते हैं, शायद शायद शिवराम की जेब में हो। नहीं, शिवराम की जेब में नहीं है पंचकोण, शायद कोई ऊपर गिर गया होगा। आओ आओ ऊपर ढूंढते हैं। पंचकोण कहाँ गिरा है? पंचकोण कहाँ गिरा है? पंचकोण कहाँ है? अनीता? हाँ? हाँ? तुम वहां क्यों रुक गई हो? जल्दी से ऊपर आओ, पंचकोण ढूंढने में मेरी मदद करो। आप ऊपर है तो फिर मैंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? तीन जा चुके हैं, मैं अकेला बच गया हूं। किसी भी तरह मैं पंचकोण ढूंढ कर आऊंगा। पंचकोण कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? पंचकोण कहाँ है? इधर ही कहीं होगा, कहाँ हो सकता है? कहाँ है? पंचकोण नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। सुबह होने में अभी भी देर है मदन, तीन जा चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो। अब ये पंचकोण मेरे हाथ में है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फ्रेडरिक, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जाओ पीछे जाओ, मैं कहा पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये मुझे बचाएगा, मुझे यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहिए, अभी इसी वक्त, भगवान जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। हाँ मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ, अभी। बेटा अब थोड़े ही दिनों की तो बात है, जल्दी ही अपन घर चलेंगे। अभी सोचो, इसके दिल के पास की नस फट गई और इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। कि अगर कोई आधी रात से सुबह तक का समय इस हवेली में बिताएगा तो मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। नहीं, मुझे रुकना ही पड़ेगा। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है, पता नहीं ये पैसे लेने के लिए वहां कोई होगा या नहीं।
मुझे तो लगता है मुझे सिर्फ लाशें ही देखनी पड़ेगी, लेकिन पैसे तो ले जाना चाहिए। डैडी, ये तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आपके बेटे को नहीं बचा सका। हो सकता है साहब, ये जरूर जरूर उस फैक्ट्रिक्स की कारस्तानी है। नहीं मदन, ये कड़वा सच है, तुम्हारा बेटा मर चुका है, हम इसे नहीं बचा सके। मैं बच गया, मैं जिंदा बच गया, सहारा हो गया।
मैं जिंदा बच गया। मेरा बच्चा, मेरा कामयाब हुआ है, बच्चा ठीक था। डैडी, ये बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। मिस्टर मदन, एक दो दिन में इसे आप घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। आप हमें पैसे नहीं देते तो हम तो बर्बाद हो जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मेरे घर से शराब को हटा दिया। काश तुम्हारे तीनों साथी भी आज हमारे साथ होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बेटा बच गया है और मेरी हवेली फ्रेडरिक की आत्मा से मुक्त हो गई है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।